सनातन परंपरारे शिवंक पूजार विशेष महत्व रहिछि। भगवान शिव हेउछन्ति कल्याणकारी जेकि सृष्टिर समस्त अनिष्टकारी अपशक्ति अन्याय अनीतिकु संहार करि संसारकु सुख प्रदान करन्ति। हिंदू धर्म अनुसारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकु संसारर सृष्टि स्थिति ओ संहारर नियन्ता रूपे विवेचना कराए। से देवदेव महादेव सत्य शिव सुंदर से अकाल मृत्यु हरणर महाशक्ति मृत्युंजय। भगवान शिवंकु नेइ अनेक कहानी रहिछि, किंतु आपण जानते कि भगवान शिव काहिंकि निज मस्तकरे चंद्र को धारण करिछन्ति। शिव पुराणरे वर्णित कथा अनुयायी जेतेबेले समुद्र मंथन करा जायतिला सेथिरु विष्ट बाहरिथिला। सारा सृष्टि को रक्षा करिबा पई भगवान शिव समस्त विषकु पान करिछि। विश्वर ज्वाळारे तांको कंठ नील पड़गला, सेथिपाई तांको कुहागला नीलकंठ। विष प्रभाव में भगवान शिवंक शरीर अत्यधिक उत्तप्त होगला, तेणु तांको शीतलता प्रदान करबा को विकल्प खोजिबा को लागिले देवगण एवं चंद्र शीतलता प्रदान करथिबा देवता होथिबारु तांको ही स्वयं भगवान मस्तक धारण करथिले। सेबेठू चंद्र शिवंक मस्तक विराजमान हो सारा सृष्टि को शीतलता प्रदान करिआछन्ति। द्वितीय पौराणिक कथा अनुयायी चंद्र को विवाह प्रजापति दक्ष सतैशी नक्षत्र कन्या होता। यह दक्ष कन्या रोहिणी चंद्रकर सबुठ अधिक प्रिय थे, जहाँफल अन्य पत्नी मैंने रागि जा दक्ष निकट में अभियोग करते। यह शुणी दक्ष रागि जा चंद्र शरीर क्षय हो जाऊ अभिशाप देते। अभिशापर प्रतिफलन स्वरूप चंद्र धीरे धीरे क्षय होगा लगिले। दुख और संतापर चंद्र यह अभिशापर मुक्ति हो भगवान शिव को तपस्या करते। चंद्र तपस्या शिव प्रसन्न होता श्राप विमोचन स्वरूप निज मस्तक धारण करने को प्रतिश्रुति। अभिशाप मुताबक चंद्र मासर गोटे पक्ष क्षय हो पुनर्व आउ गोटे पक्ष निज पूर्व सौंदर्य फेरी पाए बोली कहला। जोपाई अमावास्या पक्षरे चंद्र क्षय पाता बेले पूर्णिमा पक्षरे पूर्ववत स्थिति को फेरी आसती। पौराणिक मान्यता अनुयायी एवं दक्ष अभिशापी चंद्र आकार कमी कमी जाए, किंतु पूर्णिमा दिन चंद्र निज संपूर्ण आकार रे नजर आसती। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर ओडिशा।